नमस्ते फ्रेंड्स, मोना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मेन प्रैक्टिस रहेगा ये हैंड स्प्रिंग फ्लिप टेक्निक एक्सरसाइजेज है, जिसमें कि हम हैंड स्प्रिंग सीखेंगे। तो आज हमारा सेकंड डे है, तो उसमें से कुछ बेसिक से एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू जो है हम अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपके पास सपोर्ट है, आपके पास कोई पार्टनर है तो आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज जो है हम वॉल का सपोर्ट लेंगे। तो हम जो है वॉल का सपोर्ट लेते हुए ये जो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाना है, ठीक है। सामने वॉल है तो हमने अपने हैंड्स को बिल्कुल स्प्रेड करते हुए ऐसे डाउन करें, लेग्स को इस तरह से होल्ड करें, इससे हमारा थाइज में स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। जब लगे कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जा रही है तो हम विदाउट जो है सपोर्ट जो है अपने बैलेंस को मेंटेन करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, अपने बैक को जो है इस तरह से आगे रखना है तो उसका सपोर्ट देते हुए। सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सेम रिपीटेशन ऑफ द साइड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। तो इस तरह से हमने ये वाला प्रैक्टिस कंटिन्यू किया। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा, हमारा स्टैंडिंग ही प्रैक्टिस रहेगा। अपने हैंड्स को जो है इस तरह से आप करें एंड डाउन करें, इससे हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा होगा। वन, लेग को थोड़ा थोड़ा अप करें। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। और हैंड का सपोर्ट लेते हुए स्ट्रेच करें जितना हो पा रहा हो, बैक को स्ट्रेट रखें, हेड को डाउन करें एंड सेम रिपीटेशन अदर साइड। मींस लेफ्ट लेग से राइट लेग को हम इस तरह से रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। स्ट्रेच एंड होल्ड, अपने आर्म्स एंड लेग को स्ट्रेट रखना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड। वन टू थ्री फोर फाइव, रिलीज। इस तरह से क्या होगा कि हमारे शोल्डर में स्ट्रेंथ आएगा एंड थाई में स्ट्रेंथ आते हुए फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज रहेगा, हमने आर्म बनाना है। आर्म बनाने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैं वॉल का सपोर्ट लूंगी। अगर आपका चक्रासनासन का अच्छे से प्रैक्टिस अगर नहीं है तो पहले उसमें अच्छे से अभ्यासी हो जाए एंड तो जो है कंटिन्यू करें। इस तरह से हम वॉल सपोर्ट लेंगे, हैंड को स्ट्रेट रखते हुए। वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से स्विंग करना है एंड डाउन। हम ज्यादा डाउन नहीं जाएंगे,
स्विंग करना है एंड बॉल को टच करवाना है, ठीक है। जितना बेंडिंग होगा उतना ज्यादा हमारा आर्क अच्छा बनेगा। सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड होल्ड एंड स्ट्रेच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। वापिस ये थे हमारे बैक बेंड का थोड़ा सा स्ट्रेच, हम थोड़ा सा डीप बैक बेंड करेंगे एंड स्ट्रेच करेंगे। वन इस तरह से जो है 10 टाइम करना है, उससे हमारा नेक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, हाई स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड थोड़ा सा और डीप जाने के लिए हम थोड़ा सा और बैक बेंड करेंगे, होल्ड करना है एंड स्ट्रेच करेंगे। होल्ड तो हम ये 10 टाइम करेंगे, फिर से आएंगे वापस, जब से प्रैक्टिस करें मैट वगैरह बिछा के या फिर जिससे स्प्रिंग हो जाए उसका भी यूज कर सकते हैं, हमारी सेल्फ प्रैक्टिस है बॉल का सपोर्ट लेते हुए। फाइव फाइव सेकेंड तक होल्ड भी रखना है जब डाउन जाए। फोर फाइव चेक कर दे, उसका फॉरवर्ड बैंड हम उसको स्ट्रेट रखना है, पुल करवाएं तो अभी जो है हम चक्रासन करेंगे, तो सीटिंग में आ जाए इस तरह से लेग्स को रखे बिल्कुल पास में दीवार के सहारे सटा लें, अपने इस तरह हेड को उठाना है एंड
इस तरह से स्विंग करना, तो ये बार बार प्रैक्टिस करें। तीसरी प्रैक्टिस, फिर अपने आर्म्स को जो है रिस्ट को अपने शोल्डर नेक के पास रखना है, बॉडी को लिफ्ट करें अप साइड। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करना है। ज्यादा दूर नहीं रखना है, आलवर्स को पास में रखें। तो इस तरह से हमने बैक बेंड किया एंड हमने बैक जो है हमने लेके आए अपनी बॉडी को। इसी तरह से हमारा ये जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूसली करें। जब लगे कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फिर जो है अप डाउन दोनों साइड अच्छे से हो जाएगा, और उस तक पहुंचने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो हैंड स्टैंड प्रैक्टिस जरूर कर लें, वॉल का सपोर्ट लेते ही वो हम जो है ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। हैंड्स को इस तरह से शेयर कर लें, दोनों पैरों से भी अपनी बॉडी को जो है लिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेच करें, स्क्वाट जो है जरूरी है, स्क्वाट करने के लिए स्ट्रेच करें। इस तरह से बैठे स्ट्रेच मैं यहाँ साइड से दिखाती हूँ, सेम वैसे ही कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा थाइज एंड हिप्स में लाइक में स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, उठने का कोशिश करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। इससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा हाइज एंड फ्लैग का, एंड नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा तो हमने इस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है। अपने दोनों फिंगर्स को अच्छे से वाइट कर लें, हैंड्स की स्ट्रेच करें एंड इस तरह से बॉडी को उठाएं, थोड़ा सा जंप करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अभी जो है हम अपनी बॉडी को वॉल का सपोर्ट लेंगे, स्ट्रेच करवाएंगे, लिफ्ट करेंगे अप साइड। स्ट्रेच डीप ब्रीथ,
इन होल्ड, इससे हमारा शोल्डर स्ट्रेंथ, रिस्ट स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। स्ट्रेच करें हिप्स को, नीज को, लेग्स को, एंड थोड़ा थोड़ा इस तरह से वन बाई वन काउंट करें। तो इस तरह से हमने ये किया। अभी थोड़ा हम हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करेंगे एंड वन बाई वन जो है पहले हम जो है इस तरह से करेंगे, एक लेग को आगे एक को पीछे, इस तरह से होल्ड एंड हेड को मिड ऑफ आर्म्स रखें। वॉल का सपोर्ट हम हटाएंगे, होल्ड करोए। अगेन इसका प्रैक्टिस करना है वन बाय वन। तो इस तरह से हमारा वर्कआउट रहेगा हैंड स्टैंड का रेगुलर प्रैक्टिस। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस किया, रेगुलर प्रैक्टिस में ये हमारा हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ में हमारा ग्रिप जो मैंने करके दिखाया बैक बेंडिंग, तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है रेगुलर करनी है। आज हमारा सेकंड डे था, रेगुलर मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें और हर रोज स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है हमारा कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और हम इसलिए जो है 30 डे का जो चैलेंज है मीन्स बिगिनर लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि हमारा भी बेसिक्स है, तो अगर अच्छे से सारी प्रैक्टिस का अभ्यास हो जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करें, सेल्फी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे इंजरी नहीं आएगी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो 3-4 मेरी एक्सरसाइज उनको जरूर फॉलो करें एंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मीन्स लाभ उठाएं प्रैक्टिस का, और फिर विदाउट जो है हम सपोर्ट उनका करेंगे। बट जब भी आप प्रैक्टिस करें, योग मैट वगैरह बिछाना या कुछ गद्दा वगैरह, या फिर आप बेड पे भी इन एक्सरसाइजेस का अभ्यास करें, या खुला ग्राउंड है वहाँ पे कर सकते हैं, उसमें इंजरी आने के चांसेस होते हैं, और ग्रास वगैरह में करते तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बट नोकली चीज़ से बचे, इसलिए प्रैक्टिस करें, और अगर किसी की देख रेख में करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने ये वर्कआउट किया, मेरा भी पसीना पसीना हो गया है। आई होप आप भी मेरी मेहनत को जाने, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा थोड़ा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड जितना हो सके अब मेरे चैनल के साथ जुड़े, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगी मेरे को वीडियो नोटिफिकेशन देखता ही। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, फिर से हेल्दी हो गए थोड़ा सा। थैंक यू।